नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, मैं हूँ रीना। अक्सर एक ही त्यौहार तिथि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में मनाई जाती है। इसके पीछे वजह अलग अलग पंचांगों में दी गई अलग अलग तारीखें होती हैं। लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलने जा रही है। अब से देश में एक त्यौहार मनाने की एक ही तारीख होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की पहल, अब एक नेशनल कैलेंडर तैयार किया जाएगा जिसमें हर त्यौहार को मनाने की एक ही तारीख होगी। इसके अलावा इस पहल से अंग्रेजी कैलेंडर की जगह भारतीय कैलेंडर को मान्यता मिलेगी। इसके लिए देश भर में 300 विद्वान 2 दिन तक उज्जैन में मंथन करेंगे। इससे विभिन्न अंचलों में पंचांगों के कारण व्रत त्यौहार तिथि आदि को लेकर उत्पन्न होने वाले भेद समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा त्यौहार की अलग अलग तारीखों के कारण अलग अलग राज्यों में सरकारी अवकाशों की तारीखें भी अलग रहती हैं, जिससे खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश की आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने भारतीय कैलेंडर को मान्यता देने के लिए यह पहल की है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय दिन दर्शिका को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय में 22 और 23 अप्रैल को 2 दिन देश भर के विद्वानों को राष्ट्रीय संगोष्ठी और पंचांगों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रसार भारतीय, तारा भौतिक संस्थान, खगोल विज्ञान केंद्र, विज्ञान भारती, धारा, मप्र विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय में पाणिनी संस्कृत विवि उज्जैन आदि हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले 1952 में देश में के लिए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी गठित की गई थी, लेकिन बाद में मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से इसकी पहल शुरू कर दी है। इसके लिए उज्जैन को चुना गया है। उज्जैन को कालगणना का प्राचीन केंद्र का रहा है, बल्कि यहाँ की कालगणना को ही पूरे विश्व में मान्यता थी। इसके अलावा उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है, जिससे यहाँ पर समय की गणना सबसे ज्यादा शुद्ध और सटीक होती है। इसी के चलते उज्जैन में राजा जयसिंह ने वेदशाला भी स्थापित की है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।